हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग डिजायर। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ सी लैंग्वेज में, जो कि मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में बनाया था। सी लैंग्वेज में एक गेम बनाया था मैंने, वो ये इसकी सी की फाइल है और बहुत सारी फाइल्स होती हैं इसमें, इस प्रोजेक्ट में है। तो मैं क्या करता हूँ, इस को रन करता हूँ। रन करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये अभी करेंट जो डेट है वो शो कर रहा है, यहाँ पे ऊपर में करेंट डेट शो कर रहा है। आज 3rd of January है और मैं 19:55 पे ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये करेंट टाइम है। यहाँ आपसे पूछा गया है आपका, दैट मीन्स प्लेयर का नेम। तो प्लेयर का नाम मैं दे देता हूँ कुछ भी, एज फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्रिज दे दिया। उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, इनमें से सिलेक्ट करना है आपको। तो पहला जो ऑप्शन है वो है स्टार्ट गेम, दूसरा जो ऑप्शन है वो है स्कोर कार्ड, आप देख पा रहे होंगे। तीसरा जो ऑप्शन है सेट द टाइम लिमिट, टाइम लिमिट भी आप सेट कर पाएंगे इसके जरिए। और चौथा जो है वो हेल्प है, और पांचवा जो है वो अबाउट मी है, और जो छठा ऑप्शन है वो जीरोथ, एक्चुअली जीरोथ ऑप्शन है। जीरो क्लिक करने पे जो भी वर्किंग होगी वो एग्जिट हो जाएंगे आप गेम से। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा इसका स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड में अगर मैंने कुछ प्ले किया होगा तो पहले से कुछ होगा, तो मैंने 2 सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद एंटर किया मैंने। हाँ, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मैं जो कि मेरा नाम शशि है, मैंने प्ले किया था इस गेम को और लेवल 2 में प्ले किया था और स्पीड 60 थी। तो यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस गेम में। इस गेम के इसको मैंने फाइल मैनेजमेंट के द्वारा किया हुआ है, तो फाइल हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है, वो आनी चाहिए। तो उसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पर सेट द टाइम लिमिट के पास। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो रहेगा वो रहेगा हाफ मिनट के लिए, और यहाँ पर आप सेट कर पाएंगे 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। आप इसका सोर्स कोड में चेंज कर देंगे अगर, तो जितने मिनट के लिए करना चाहेंगे उतने मिनट के लिए कर पाएंगे आप। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ 1, मेरे को 1 मिनट खेलना है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट गेम। अब स्टार्ट गेम के पास भी आपके पास 3 ऑप्शन है, एक्चुअली 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है आपको मोड सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा मोड में आप खेलना चाहते हैं। इजी मोड, उसके बाद नॉर्मल है, फिर हार्ड है, और चौथा जो ऑप्शन है वो बैक टू मेन मेनू का है। तो मैं इजी में प्ले करना चाहूंगा तो 1 कर देता हूं मैं, और सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ये जो गेम है इसमें क्या है कि मेरा टाइम वो बीत रहा है, टाइम मेरा क्या है बीत रहा है, ऐसे ये नहीं है कि ये कैरेक्टर शो हो चुका है तो टाइम नहीं खत्म हो रहा है, टाइम मेरा इलैप्स हो रहा है और जैसे ही 1 मिनट होगा ये खत्म हो जाएगा। तो ये मैंने एक टाइपिंग गेम बनाया था जिसमें कि कैरेक्टर्स जितने भी हैं अपने कीबोर्ड में ए से लेकर जेड तक आएंगे रैंडमली, और उस रैंडमली कैरेक्टर को हमें टाइप करना होगा, और टाइप करके इसमें स्कोर काउंट होगा, हर कुछ काउंट होगा। तो मैं कर देता हूँ एन टाइप, उसके बाद डब्ल्यू टाइप कर दिया मैंने, स्कोर 20 हो गया। ई टाइप किया और 36 सेकंड बीत चुका है क्योंकि मैंने लेट से टाइप करना स्टार्ट किया था। उसके बाद यू कर दिया मैंने, एम कर दिया, पी। तो यहाँ पर मेरे से कुछ गलती हो गई। तो गलती होने पर भी क्या है कि अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है, दैट मीन्स आप गलत कैरेक्टर टाइप कर देते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, गलत कैरेक्टर टाइप करने पर क्या होगा कि वो आप गेम से क्विट कर जाएंगे और कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि यू आर द लूजर लूजर लूजर, ऐसी जैसी गलती करोगे ये तो आप कुछ भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको आपका टोटल स्कोर 80, नेट स्पीड 10 और 10 लेटर पर मिनट है, और उसके बाद स्कोर कार्ड अपडेटेड। अब मैं यहाँ से चलना चाहूंगा मेन मेन्यू में, आप यहाँ से प्ले अगेन भी मतलब फिर से खेल पाएंगे, लेकिन मैं मेन मेन्यू में चलता हूँ और स्कोर कार्ड देखता हूँ। स्कोर कार्ड 2 से सिलेक्ट करके मैं देखता हूँ यहाँ पे। अब आप यहाँ पर स्कोर कार्ड देख पा रहे होंगे, तो स्कोर कार्ड आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने अभी एंट्री जो की थी फ्रीज वाली वो एंट्री आ चुकी है, और स्कोर 80, स्पीड वही सब कुछ। फिर से मैं प्ले करता हूँ आपको डेमो दिखाने के लिए। तो फिर से मैं 1 सिलेक्ट करता हूँ और फिर से मैं वही करता हूँ 1, उसके बाद मैं कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ LFROT जे, गलत हो गया मेरे से,
तो यहाँ पर गलत होने पर वही आता है, तो स्कोर कार्ड अपडेटेड यहाँ भी शो होता है, दैट मीन्स आपका स्कोर कार्ड अपडेटेड हो गया। फिर मैं चलता हूँ वापस से टू ऑप्शन लेके मेन मेन्यू में, उसके बाद यहाँ मैं स्कोर कार्ड देखता हूँ, फिर से फ्रीज आ गया। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक एंट्री ले ली है फ्रीज से, इसलिए बार बार अब जो स्कोर कार्ड अपडेट होगा वो फ्रीज के नाम पे ही होगा, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया। उसके बाद मैं आपको इसका दूसरा लेवल शो करा देता हूँ, जैसे सेकेंड मोड है। सेकेंड मोड में स्मॉल लेटर्स है, लेवल तो ऐसे ही मैंने रख दिया था कि कुछ तो होना चाहिए भाई, तो लेवल कर दिया मैंने ओ सी, गलत हो गया फिर से मेरे से टाइप, ठीक है। तो ऐसे ही हम बाहर आ गए, और उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मेन मेन्यू में चलते हैं, उसके बाद स्कोर कार्ड में हम चलते हैं, स्कोर कार्ड में आ गए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लेवल भी मैंने इसको स्टोर करा रखा है, लेवल को भी स्टोर करा रखा है। तो यहाँ से पता चलता है कि आपने कौन सा लेवल कब खेला, ठीक है। कब खेला ये तो पता नहीं चलेगा, लेकिन सेशन पे तो पता चलेगा ना कि ये अभी फ्रिज का सेशन चल रहा था, तो उसने दो दो बार लेवल वन खेला, फिर एक बार लेवल टू खेला, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं आपको तीसरा मैंने ऑप्शन आपको दिखा दिया, चौथा ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। चौथे ऑप्शन में कुछ नहीं है, इंस्ट्रक्शंस है, वो कुछ भी आप कर सकते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं। और पांचवे ऑप्शन में वो मैंने ये बताया हुआ कि मैंने कब बनाया इस प्रोजेक्ट को और क्यों बनाया, ये फालतू की बात है, ठीक है। और जीरो से हम एग्जिट हो जाएंगे, तो जीरो से हम एग्जिट हो गए। उसके बाद अब इस प्रोजेक्ट में मैंने जो यूज किया हुआ है, मैं आपको इसका फाइल ओपन करके ही दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें यूज किया हुआ है। तो सबसे पहली बात कि इसमें मैंने डिले फंक्शन को यूज किया हुआ है, तो मेक श्योर कि आप मेरे डिले वाले वीडियो को देख ले, अगर आपको डिले फंक्शन को यूज करना नहीं आता है या फिर आप अवगत नहीं है डिले फंक्शन से। और इसमें मैंने एक और फंक्शन यूज किया हुआ है सिस्टम फंक्शन, तो सिस्टम फंक्शन का भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो मेक श्योर कि आप उसको भी एक बार अप्रोच करें। और ये सोर्स कोड तो मैं पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फाइल ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बस इतना कहना चाहूंगा। और इसमें बहुत सारी चीजें मैंने यूज की है जो कि अभी तक वीडियो बनाया नहीं है मैंने, गो टू एक्स वाई है, और बहुत सारी चीजें मैंने इसमें यूज की हुई है जिसपे मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैक्स। और एक इसमें रैंड फंक्शन यूज किया हुआ है, तो कैसे रैंडम नंबर जनरेट करना है ये भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट का, इस रैंड फंक्शन का यूज मैंने इस प्रोजेक्ट में किया हुआ है, तो कृपया जाके आप उसको देख ले तो थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि रैंड फंक्शन का मैंने यूज किया हुआ है। ओके, तो रैंड फंक्शन का यूज किया, उसके साथ कुछ कैलकुलेशन लगाया जिससे कि अल्फाबेट ही रैंडमली जनरेट हो पा रहे हैं। और फिर आप यहाँ देख पा रहे होंगे सिस्टम फंक्शन का भी यूज किया मैंने, उसके बाद टाइम क्लॉक का भी यूज किया, और बहुत सारी चीजों का यूज किया गया है। इस क्लॉक फंक्शन का भी यूज किया मैंने, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो बहुत सारी चीजों का मैंने यूज किया है इस प्रोजेक्ट में। तो किसी और वीडियो में मैं ये भी समझाऊंगा, पूरा इस प्रोजेक्ट को मैं समझाऊंगा, तो इसमें करीब कुछ सीरीज लग जाएंगे, मैं इसके पार्ट बाय पार्ट समझाऊंगा, तो एक सीरीज ही बन जाएगा। सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।